सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी, मोर देन 26,000 ट्रस्टेड फैमिली, काउंसलिंग विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, फ्री रजिस्ट्रेशन, नॉमिनल मेंबरशिप फीस, नो कमीशन आफ्टर मैरिज, फ्री रिश्तो मीट विद रिफ्रेशमेंट्स। Rishto.com ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में इन दिनों रास्तों की दुरुस्ती को लेकर डांबरीकरण का काम शुरू किया गया है। कल नेताजी चौक से गांधी रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर ठेकेदार की तरफ से रास्ते पर डांबर का काम किया जा रहा था, जहाँ ठेकेदार की तरफ से गीले रास्ते पर ही डांबर का काम किया जा रहा था। अब यह खबर चलने के बाद मनपा के पूर्व नगर सेवक भरत गंगोत्री जी की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस तरह से हो रहे डांबर के काम पर मनपा प्रशासन और ठेकेदार पर शहरवासियों के टैक्स के पैसों की बर्बादी के आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं भरत गंगोत्री जी क्या बता रहे हैं। भरत भाई, गणेश उत्सव को देखकर अब कारपोरेशन की तरफ से आज आपके प्रभाग में डांबरीकरण, रस्तों की दुरुस्ती के लिए काम शुरू किया गया है, उस काम के लिए आप क्या कहेंगे? मैं माननीय आयुक्त साहब और सिटी इंजीनियर दोनों का धन्यवाद करूंगा कि इतना बड़ा गणपति उत्सव चालू है, उस पीरियड में उन्होंने खास करके गणपति भक्तों का ख्याल रखते हुए रोडों का जो खड्डा बुझाने का काम चालू किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने कम से कम भक्तों की एक श्रद्धा को देखते हुए आज ये काम चालू किया, उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज आपके प्रभाग में जो रास्ता नेताजी से गांधी रोड परिसर की तरफ जा रहा है, वहाँ पर आपने भी वहाँ की पहाड़ी की, आपने भी देखा, क्या वहाँ पर जो काम हो रहा था उस काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, वो जिस तरीके से वहाँ पे काम हो रहा था वो पद्धति काम करने की थी नहीं, ये लिपापोती थी, वो लिपापोती करके काम कर रहे थे। वहाँ पे न कॉरपोरेशन का कोई अधिकारी मौजूद था, और इसके अलावा जिस ठेके के अंतर्गत उनको काम दिया गया है उस पद्धति के हिसाब से काम नहीं था। कीचड़ के ऊपर काम किया जा रहा था, जो मिट्टी गीली है वो मिट्टी के ऊपर ही काम करते जा रहे थे, और वो आपने विजुअल भी निकाले हैं, आप वो विजुअल के हिसाब से देखेंगे वो पद्धति नहीं है काम करने की, इससे आम जनता के पब्लिक का पैसे की बर्बादी हो रही है। तो आपका कहना है कि इसके ऊपर जो ठेकेदार वगैरह काम करें वो अपने मनमानी तरीके से या टैक्स के पैसों की बर्बादी हो रही है? 100% इसमें जिस तरह से उनको रास्ते को सफाई करके और जो पुरानी मिट्टी कीचड़ है सब निकाल के उसको काम करना चाहिए, वो टोटल और टोटल गलत ढंग से उसके ऊपर ही, मिट्टी के ऊपर ही कर रहे हैं। मिट्टी जब सूखेगी तो ये रोड उखड़ना चालू हो जाएगा, और ये हर बार होता रहा है। और आपने एक विजुअल ऐसा भी है जिसमें जो खड्डे रोड के ऊपर आ गए थे उन्हीं के ऊपर उन्होंने मटेरियल डाल के बंद कर दिया, तो ये रोड भी ऊंचे होते जा रहे हैं, जिसको इस तरह से करने का ही नहीं है। उनको जेसीबी से निकाल के एक लेवल करके और क्लीन करके उसके ऊपर उनको काम करने का था, मगर ये गलत पद्धति से काम कर रहे हैं ठेकेदार, और इसमें 100% इनकी मिली भगत है। आप प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से ये करेंगे कि ये आम पब्लिक के पैसों से काम हो रहा है, कृपया करके इसे अच्छी दुरुस्ती से कराए, जैसे इसकी लाइफ भी हो और आम जनता का इसका सुख भी भोग सके, इस तरह से काम हो कि न के बार बार पैसे बर्बाद हो और लोगों की कंप्लेंट भी हो और लोग भी आपसे भी हमसे भी नाराज रहे। हमेशा शहर में इसी तरह के रास्तों की दुरुस्ती होती है, आप भी नगर सेवक रह चुके हो, तो आप जनता से क्या कहेंगे? जनता से यही एक अपील है कि आप भी जरा अवेयरनेस हो, आप भी ऐसे गलत काम देखें उसका विरोध करें, प्रशासन को जगाएं कि ये जो काम है सही ढंग से किया जाए, और शहरवासियों को थोड़ा अवेयरनेस आनी चाहिए, इस अवेयरनेस में हम सबका फायदा है।
उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।